हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरी ओर से कक्षा 9वीं के क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों को शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग आप लोगों की जो दूसरी पुस्तक है कृतिका पुस्तक, उससे चैप्टर नंबर 4 पाठ संख्या 4 माटी वाली, जो जिसके लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल जी, आज हम लोग चर्चा करेंगे माटी वाली कहानी के बारे में। और ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है और विद्यासागर जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि इस पाठ के माध्यम से उन्होंने एक विशेष तौर पर एक व्यक्ति के बारे में और एक महिला के बारे में खास तौर पर दिखलाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से वो माटी बेचकर घर घर जाकर माटी बेचने का कार्य करती थी और माटी बेचने से जितनी आमदनी होती थी उससे अपने परिवार का गुजारा करती थी, अपने कुछ परिवार का पालन पोषण की सारी जिम्मेवारी, परिवार की सारी जिम्मेवारी इनके कंधों पर ही थी। इनके परिवार में एक ये थी और एक इनका बूढ़ा पति, बुजुर्ग पति, जो अस्वस्थ रहते थे, बीमार रहते थे, उनसे कोई कार्य नहीं होता था, जिसके कारण से दिन भर बाहर रहती थी और सारा काम खत्म करते हुए, समाप्त करते हुए रात में लौटते थे, है ना। तो एक व्यक्ति के बारे में, एक औरत के बारे में, महिला के ऊपर ये कहानी है, ठीक है। चलिए पाठ का प्रारंभ करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बनी आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटर, कंटर कंटर का अर्थ होता है कनस्तर, कनस्तर का अर्थ होता है जो एक कंटर जैसा रहता है जिसमें मिट्टी डालकर और उसमें मिट्टी लेकर सर पर रखकर घूम घूम कर बेचने का कार्य करती है। माटी वाली टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह ना जानती हो या जहां उसे ना जानते हो। टिहरी शहर, ये कौन सा शहर में जाकर बेचने का काम करती थी माटी? टिहरी शहर। और ये गांव में रहती थी, ये शहर में नहीं रहती थी, ग्रामीण क्षेत्र में रहती थी और एक छोटे से कस्बे में रहती थी। लेकिन माटी बेचने का काम ये गांव से शहर जाकर 1 से 2 किलोमीटर दूर पैदल चलकर वो शहर पहुंचती थी और वहां पर घर घर मिट्टी बेचने का कार्य करती थी, ठीक है। इसके बाद शहर में कोई ऐसा घर नहीं है जो घर के सभी सदस्य इनको जानते हैं और ये भी सभी के उस क्षेत्र के सभी लोगों को जानती थी, क्योंकि प्रतिदिन आवागमन होता था और माटी बेचने का कार्य करती थी। घर के कुल निवासी, वर्षों से वहां रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तक। इसके बाद घर घर में लाल मिट्टी देते रहने की उस काम को करने वाली वह अकेली है, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। यानी उस क्षेत्र में मिट्टी देने का काम की इकलौती महिला करती थी, इसका कोई प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी का अर्थ होता है इसका कोई मुकाबला करने वाला नहीं था, ठीक है। प्रतिद्वंदी आप लोग यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये देखिए प्रतिद्वंदी, ठीक है। और टिहरी शहर के कई घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा अगर वह प्रतिदिन सभी के घरों में मिट्टी ना दे। वह ना रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौकों की लिपाई करने की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है, भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए, चूल्हों चौकों को लिपने के अलावा साल दो साल में मकान की मरम्मत, इसके बाद आप कह सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, कि कमरों के दीवारों की गुबारी लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की जरूरत पड़ती है। शहर के अंदर कहीं माटा खान है नहीं, यानी शहर में कहीं माटा खान, माटा खान का अर्थ होता है जहां पर मिट्टी निकाली जाती है ना, खोद कर गड्ढे करके मिट्टी निकाली जाती है और मिट्टी बेची जाती है, लेकिन शहर में वैसा मिलेगा नहीं आपको, वो कहाँ, ग्रामीण क्षेत्र में अत्यधिक मिलती है। भागीरथी और भिलंगाना दो नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो रेतीली मिट्टी होती है जिससे घरों की चूल्हों की लिपाई जो होता है वो करना असंभव माना जाता है। आने वाले नए नए किराएदार भी
एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं। किसे देख लेते हैं? उस मिट्टी को, रेतीलाल मिट्टी को। तो अपने आप माटी वाले के ग्राहक बन जाते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली। उसका कद खाटी कैसे था? नाटे कद की थी और जाति हरिजन। हरिजन जाति की थी, बुढ़िया थी, बुजुर्ग थी, उम्र हो चुका था, लेकिन फिर भी वो काम कर रही थी, मेहनत कर रही थी, खट रही थी प्रतिदिन। किसके लिए? अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बूढ़े पति के लिए। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। शहरवासी माटी वाली को तो पहचानते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ उसके कंटर, जिसमें मिट्टी लेने का काम करती थी, मिट्टी ढाल कर लेकर आती थी, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते थे। दूर से ही देख कर लोग पहचान लेते थे कि ये बूढ़ी माटी वाली आ रही है। रद्दी कपड़े को मोड़ कर बनाए गए एक गोल डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है। यहाँ पर एक शब्द है डिल्ले। डिल्ले का अर्थ होता है सिर पर बोझ के नीचे रखने के लिए एक कपड़े जैसी मोटी गद्दी बनाई जाती है, जिस पर आप कुछ सामान रख सकते हैं, जिससे आपको आसानी होगी, सुविधा होगी, आपको कठिनाई नहीं होगी, सर पर चोट जैसी नहीं लगेगी, ठीक है। और उसके ऊपर किसी कभी ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। अपने कंटर को इस्तेमाल लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काट कर निकाल फेंकती है। यानी उसके जो कंटर था, उसका ऊपरी जो है ढक्कन लगा हुआ नहीं रहता था, खुला रहता था। क्यों? क्योंकि उसके ऊपरी ढक्कन को वो काट कर फेंक देती थी, और काट कर फेंकने के बाद इससे उसको आसानी हो जाती थी मट्टी को लेने में, और मट्टी को फिर दूसरों को घरों में ढालने में, ठीक है, क्योंकि जल्दी काम होता था। उसके बाद ढक्कन के ना रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती है। उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहां पहुंची और उसके सामने खड़ी हो गई। मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आ जाना। अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के कोने पर उड़ेल देने को कह दिया कि तुम यहाँ पर इसको डाल दो। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर, भाग्यवान आए खाते वक्त। यानी घर की जो मालकिन है वो कह रही है कि तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर, चाय के समय पर आई है ना, और भाग्यवान आए खाते वक्त। खाते वक्त जो आता है वो भगवान का ही रूप होता है। वो अपनी रसोई में गई, किचन में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंप कर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई। 2 रोटियां में से दोनों रोटियां उस बूढ़ी औरत को, बूढ़ी माटी वाली को सौंप दी खाने के लिए, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग के बारे में ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई, अपनी नजरें दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वो अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा। उसने फौरन अपने सिर पर धरे डिल्ले यानी जो कपड़ा था मोटा जैसा, उसको उतार कर नीचे हड़बड़ी में एक झटके से खोला और उसे सीधा कर दिया। फिर इकहरा खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हो गया, यानी वो एक चादर जैसा बिछ गया, ठीक है। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामे 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े पर लपेटकर गांठ बांध दी। साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। फिर कहने लगी कि मैं खा रही हूँ, यानी एक रोटियां गांठ बांध कर रख ली थी वह घर ले जाकर अपने बूढ़े पति को देगी। फिर वो कहने लगी, घर की मालकिन पीतल के गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया और उसे चाय पीने के लिए कहा, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या दिखलाने का प्रयास किया गया है कि वो बूढ़ी महिला आई थी उसके घर, मालकिन के घर, मिट्टी देने के लिए, और साथ ही साथ वो भाग्यवान थी, भाग्यशाली थी कि उस समय नाश्ते के समय में वो आई थी चाय के समय पर, और चाय भी मिल गया और 2 रोटियां भी मिल गई। एक रोटियां उसने गट्ठे में बांध कर रख ली और एक रोटियां खाने का दिखावा करने लगी, है ना, और उसी समय चाय भी आ जाता है। तो फिर वो कहने लगती है कि पीतल के गिलास के बारे में वो चर्चा करती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें जो पीतल का गिलास है उसके बारे में चर्चा होगी, जिसमें मालकिन और बूढ़ी माटी वाले के बीच चर्चा होगी, ठीक है। फिलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।